दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को लेके आ चुके हैं 2 10 रुपए का नोट्स के बारे में। और शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, 1 10 रुपए का नोट है जिसका प्राइस यहां पे 25,000 रुपए तक मिल सकता है, और दूसरा जो 10 रुपए का नोट है उसका प्राइस यहाँ पे आपको 51,000 रुपए तक मिल सकता है। लाइव प्रूफ के साथ एक एक चीजें आप सभी को डिटेल में समझाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको अपने कलेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए उस नोट्स को खरीदना है तो एक नोट्स के लिए 25,000 पे करना पड़ सकता है, या फिर एक नोट के लिए 51,000 भी पे करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आपको सेल करना है तो उतना मिल जाएगा और खरीदना है तो उतना पे करना पड़ सकता है। बेसिकली ये नोट्स हैं 10 रुपए का, एक बोट सीरीज वाला नोट है, और दूसरा जो है कि 10 रुपीज़ का शालीमार गार्डन सीरीज वाला नोट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन दोनों नोट्स के बदले आप सभी को ये इतना जो कीमत हमने बताया ये मिल सकता है। बस आपको वीडियो को डिटेल में देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पूरे नहीं देखते हो और आप लोग कमेंट कर देते हो कि हमारे पास ये नोट अवेलेबल है 10 पीस 20 पीस, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को वीडियो को कम्प्लीट देख के समझना होगा कि 10 रुपये का शालीमार गार्डन सीरीज़ का नोट या फिर 10 रुपए का जो बोर्ड सीरीज का नोट है उस सभी का इतना पैसा नहीं मिल सकता है। उसमें क्या खास होना चाहिए, खास चीजों को आप लोग देखते नहीं हो, उसके बाद आप लोग सिर्फ बोलते हो कि हाँ हमारे पास ये नोट्स है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल पूरे अंत तक देखोगे और ये 10 रुपए का बोर्ड सीरीज और शालीमार गार्डन सीरीज के नोट में कौन सी ऐसी एलिमेंट्स या फिर स्पेसिफिकेशंस होंगे तो आपको 25,000 और 51,000 मिलेगा, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे न्यूमेस्मैटिक की हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से। साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि सभी को पता चले आप जो ये 10 रुपये का शालीमार गार्डन सीरीज़ है और बोर्ड सीरीज नोट है इनके बारे में, और वो भी इसको सेल करके या फिर खरीदना चाह रहे हैं तो आसानी हो उनको, ठीक है। और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है और कितने दिन से आप लोग कलेक्शन कर रहे हैं, ये भी चीज़ें ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह के नोट्स जो होते हैं वो सभी नोट्स रेयर नहीं होते हैं। जो कॉमन सर्कुलेशन के नोट्स होते हैं उनके प्राइस जो है वो जो फेस वैल्यू है उसका ही उतना होता है, लेकिन कॉमन सर्कुलेशन के ही कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, लेकिन आप सभी को वो चीज़ें नहीं पता होता है और आप सभी के पास वो नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हो। वजह यह है कि आपको उस नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में नहीं पता होता है। दोस्तों अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करेंगे 10 रुपये का दोनों ही नोट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करेंगे या फिर चेतावनी बोल सकते हो कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर काइंडली एंटर ना करें, आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है। और एक चीज़ ये भी बता दें कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ फ्रॉड सेलर हैं या फिर बायर हैं बोल सकते हो, कुछ सेलर या बायर नहीं है, वो सिर्फ आप सभी के साथ ठगी करने के लिए इस तरह का हरकत करते हैं। उन लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि हम आपके नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदेंगे, हम ओल्ड कॉइन बायर हैं, आप लोग इस पर संपर्क करें। तो उस तरह के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग बिल्कुल संपर्क ना करें, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत में बताया था 10 रुपये का 2 नोट हमने लिया है, एक है आपका बोट सीरीज वाला नोट और दूसरा है आपका शालीमार गार्डन सीरीज वाला नोट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोट सीरीज का नोट है उसके बारे में, ठीक है। तो बोट सीरीज का जो नोट है उसका प्राइस यहाँ पे 25,000 रुपये हमने बताया था इवेंसी कंडीशन में। तो इसका डिटेल्स समझिए, अब डिटेल्स समझ लो क्या स्पेसिफिकेशन है, ये चीज़ आप पहले समझो। देखिए, 10 रुपीज़ का ये दोनों नोट्स फैंसी नंबर वाला नोट है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था आपको, अब फैंसी नंबर में कौन से नंबर होने चाहिए ये भी चीज़ें अभी आपको जानना होगा, क्या प्रीफिक्स इंसर्ट है ये भी जानना होगा। तो 10 रुपये का ये दोनों नोट्स फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट्स हैं, तो अभी आप डिटेल में समझो। देखिए, इसका सीरीज जो है वो बोट सीरीज होना चाहिए और ईयर 1985 से 1990 होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पे आप लोग देखिए, सिग्नेचर यहाँ पे RN मल्होत्रा का होना चाहिए। वहीं अगर इंसर्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लेन इंसर्ट होना चाहिए, यानी कि इंसर्ट नहीं होना चाहिए। और प्रीफिक्स की अगर बात करें तो B77 अगर प्रीफिक्स है, और सीरियल नंबर अगर 999999, यानी कि 999999 अगर सीरियल नंबर है, तो ये नोट एक्सट्रीमली रेयर है फैंसी कैटेगरी में। और साथ ही इसका और एक नोट है, उसका सीरियल नंबर देखिए,
बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस एलिमेंट सेम रहेंगे। सिग्नेचर आर एन मल्होत्रा का ही रहेगा, इंसर्ट प्लेन रहेगा, प्रीफिक्स 2077 ही रहेगा, लेकिन जो नंबर है वो रहेगा 10 लाख, यानी कि 1000000। ये फैंसी नंबर है, तो ये दोनों नोट का एक सेट बनेगा और इस सेट का क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी जो ऑक्शन है उसमें 25,000 रुपये में ये सेल हुआ था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि ये 25,000 रुपये में बिका था। तो आप लोग अगर इस नोट को कलेक्शन करना चाह रहे हो, ये दोनों नोट का सेट को, तो 25,000 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ सकता है, या फिर इत्तेफाक से आप सभी के पास ये अवेलेबल है तो ये आप सभी इतने कीमत में सेल कर सकते हैं। तो ये है हमारा 10 रुपये का जो बोट सीरीज का नोट है, इसमें दो नोट का सेट है, इसका डिटेल। तो अब हम बात करेंगे जो 10 रुपीज का फैंसी नंबर नोट दूसरा जो है हमारा, ये है शालीमार गार्डन सीरीज का नोट। तो ये भी फैंसी नंबर नोट है, आपको पहले बता दिया मैंने। तो इसका देखिए ईयर 1992 से 1997, सिग्नेचर इसमें देखना है आपको सी रंगराजन का सिग्नेचर इसमें होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए डी, उसके बाद प्रीफिक्स होना चाहिए 99N, जैसे कि पहले वाले नोट में इंसर्ट प्लेन था, ठीक है ना, लेकिन इसमें इंसर्ट बी डी होना चाहिए और प्रीफिक्स होना चाहिए 99N। और सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर इसमें अगेन सेम होगा 999 और 999, ठीक है। तो ये एक नोट का सीरियल नंबर है, इसका और एक सीरियल नंबर का नोट है, मतलब सेट बना है दो नोट का। ये भी है आपका, ईयर तो सेम रहेगा, सिग्नेचर सी रंगराजन का ही रहेगा, इंसर्ट डी होगा, प्रीफिक्स 99N ही होगा, लेकिन आपको इस बार सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा 1000000, यानी कि 10 लाख। तो ये सारा स्पेसिफिकेशंस अगर ये शालीमार गार्डन सीरीज वाले नोट में अवेलेबल है, तो आप लोग इस नोट को अगर सेल करना चाहेंगे इवेंसी कंडीशन में, तो आपको ये दिला सकता है 51,000 रुपीज तक। और वहीं अगर आप लोग इसको कलेक्शन में रखने के लिए खरीदना चाहोगे तो भी आपको खर्च करना पड़ सकता है 51,000 रुपीज तक। तो ये भी क्लासिकल न्यूमिस्मैटिक गैलरी में ऑक्शन में सेल हुआ था, ये 51,000 रुपीज में, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि विद प्रूफ जो भी चीज़ें होता है वो चीज़ हम दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए यूट्यूब पे इस तरह के लाखों के तादाद में वीडियोस मिलेंगे जो कि फेक वीडियोस क्रिएट करके आप सभी के सामने फर्जीवाड़ा करने का कोशिश करते हैं, और आपको जो इन तरह के नोट्स होते हैं, जो कॉमन नोट्स होते हैं, उसका लाखों में कीमत बताया जाता है, करोड़ों में बताया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली नोट्स का जो कंडीशन है उसके ऊपर इसकी प्राइस डिपेंड करेगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, किस एलिमेंट्स की वजह से वो नोट या फिर कॉइन इतना रेयर है, ये सभी चीज़ें अगर आप सभी को पता होएगा तभी जाके आप अपने नोट्स एंड कलेक्शन को सही ढंग से कलेक्ट कर सकते हो या फिर सही ढंग से उसको सेल कर सकते हो। तो ये नहीं है कि कोई भी किसी भी कॉमन सर्कुलेशन का नोट्स का आपको इतना कीमत मिलेगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये 10 रुपये का दोनों नोट्स का सेट जो है उसको समझ में आ चुका होगा। फैंसी सीरीज का नोट था, तो इतने इतने पैसे कैसे मिलेंगे ये भी चीज़ हमने बता रखे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत।